खराबी कहाँ हुई है, भरे जंगल में। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों अभी गाड़ी में लगने वाला है न्यू टायर। ये है वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची हैंडमेड इमारत। इतनी ऊंची बिल्डिंग देखिए, कितना ज्यादा इस पे पत्थर का यूज हुआ है और लकड़ी के सारे टिकी हुई है। ये तो हजारों साल पुराना मंदिर है। ये देखिए यार, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है बाहर का। तो ये है तो दोस्तों ये है चैनी कोठी की वो बिल्डिंग। देखिए यार कितनी ऊंची है ये, मेरे को टेढ़ा होना पड़ रहा है। और अगर आप इस चैनी कोठी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। देखिए 1905 में यहाँ पे भूकंप आया था, तो इसकी जो दो बिल्डिंगें थी ऊपर की वो गिर गई थी, तो इसे दोबारा से बनाया गया। अगर यहाँ सोना चांदी जो भी जेवर जेवरात हैं तो वो इस मंदिर के अंदर रखे गए। कैसे हो आप, कैसे हो आप? क्या कैसे हो, बूढ़े हो गए? अरे नहीं नहीं, आप जियो हजारों साल। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर को, तो आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं चैनी कोठी, जो कि एक गांव है और उसके आगे भी है एक गुशैनी गांव, तो वहां पर भी जाएंगे अगर हुआ तो। तो अभी तो हम जाने वाले फिलहाल चैनी कोठी, तो चैनी कोठी के लिए अभी हम रेडी हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह हमारी पूरी पैक है। और ये है जलोड़ी पास, तो यहाँ पर जलोड़ी पास में हमारा जो वो लास्ट डे आज। और यहाँ पर एक अंकल थे ये वाले रेडी वाले, तो इनसे हमारी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। तो अभी तो अंकल है नहीं यहाँ पे। अगर आप जलोड़ी पास आ रहे हो तो यार यहाँ पे ज़रूर आना, अगर अंकल होंगे तो अंकल से मिलना, ज़रूर मिलना, बहुत ही अच्छे हैं। और हमारी तो ऐसे ख्वाहिश थी कि हम अंकल से मिल के जाएँ, बट यहाँ पे अंकल है नहीं, वरना आपको भी मिलवाते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे भाभी जी और भाई जी आ गए हैं गाड़ी में, चलो। और हम भी चलते हैं अभी चैनी कोठी की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे देवाशीष भाई, तो आ जाओ आप ना, आ जाएंगे हो जाएगी जगह जी। हाँ जीवी तक ना आप आ जाओ। तो ये हमारे देवाशीष भाई, आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाए थे हमने। तो भाई जा रहे हैं अभी वाटरफॉल की तरफ, जीवी की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भाई का हॉस्टल है और अभी भाई की बस आई नहीं है, तो हमने सोचा कि भाई के साथ ही चलते हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, ये है जलोड़ी जोत, तो बाय बाय करते हैं जलोड़ी पास को। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जीवी में, और जीवी से हमें जाना है अभी चैनी कोठी। तो हमारे जो यहाँ पर दोस्त थे वो चले गए हैं, तो ये देखिए यहाँ से हमें जाना है आगे, ले लेंगे राइट टर्न ऊपर सिंगा ऋषि जैसा बोर्ड लगा है, तो वहाँ से जाएंगे हम ऊपर की तरफ। और बाई पर है चैनी कोठी, और ये देखिए कितनी सुंदर वैली है, ये कितनी प्यारी है, बट है डीप थोड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई शाम हो गई है, बट हुई नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको भी लग रहा होगा, और गोप्रो तो ऐसे भी नाइट में सूट करता नहीं है इतना अच्छा, तो है तो बहुत ही सुंदर ये देखिए। तो अभी मिलते हैं आपको सीधे उस मोड पे जहाँ से हम टर्न लेंगे। तो ये हम चले ऊपर की तरफ चैनी कोठी की तरफ, तो यहाँ पर लगाया बोर्ड देखिए, मंदिर देवता श्री श्रृंगार ऋषि जी। तो बस इसी रास्ते पर जाना है अगर आप लोगों को चैनी कोठी जाना है, तो हम चल पड़े हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हाँ बाकी तो बात नहीं है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ गाड़ी क्यों ही पार्क कर देते हैं, है ना, चल जाते पैदल ऊपर, कुछ भी नहीं है। घूमाते गांव में कैंप के लिए भी पूछते हैं ना, नहीं मिलती स्टे तो फिर यहाँ पे अच्छा ही है वाला। तो हमने गाड़ी अभी यहाँ पर पीछे पार्क कर दिया, और अभी हम पैदल ही जा रहे हैं ऊपर गांव की तरफ। गांव के लोगों से बात वगैरह करते हैं, अगर देखते हैं अगर वहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है तो कैंप कर लेंगे, और कैंप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिल भी जाते हैं स्टे करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, और गांव भी दिखाते हैं आपको ऐसे फुल एक्सप्लोर। तो हम सुबह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोप्रो भी रात को काम नहीं करता, और भाई के भी फ़ोन की बैटरी तो है, बट स्टोरेज मेमोरी फुल हो गई है। दोस्तों एक कैंप साइट ये भी है, ये देखिए कितना प्लेन ग्राउंड है, और वहाँ पर आग जलाने के लिए भी बिल्कुल सही है, और गाड़ी भी वहाँ पर आ जाएगी, बट थोड़ी सी जंगल की प्रॉब्लम है, क्योंकि जंगल साइड एरिया है तो डर लग सकता है। तो अभी जा रहे हैं हम गांव की तरफ, गांव में ही करते हैं पता। तो अभी भाई लेके आने वाले गाड़ी, और यहाँ पे हमें एक आदमी मिला था, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर की साइड ही लगा देना कैंप, तो देखते हैं क्या बनता है अभी गाड़ी, इसलिए हम ऊपर ला रहे हैं, तो चलते हैं अभी। दोस्तों अभी जंगल के बीचों बीच हमारी गाड़ी का टायर जो वो पंचर हो गया है, और तो फाइनली अभी हमें जैक मिल गया है, वो भी कितनी मुश्किल हो गया, वो भी अपने भाई को कॉल की, पूरी गाड़ी छान मारी हमने, जैक नहीं मिल रहा था नहीं। तो देखिए अभी जैक से करते हैं इसको ऊपर, और स्टेपनी तो हमारे पास है। दोस्तों ये देखिए स्टेपनी तो है साथ में, और ये तो
यहाँ पर लगाते हैं अभी जैक और मिल गया जैक। उठाते हैं गाड़ी को। ये देखिए और खराब भी कहाँ हुई है, भरे जंगल में। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, गांव भी यहाँ से काफी दूर है। तो दोस्तों अभी पहले नेट खोल लेते हैं इसके, फिर लगाते हैं जैक। यहाँ पे लगाना है जैक, तो लग गया है बस अभी इसको। ये खुल गया है, अभी नेट खोलते हैं और करते हैं फिर। ठीक है वो, ठीक है। कैसे लगा तो दोस्तों अभी गाड़ी में लगने वाला है न्यू टायर। और ये देखिए अभी पहली बार हो यही यूज, अब पहली बार, ये पहली स्टेपनी है जो गाड़ी के साथ आई है, तो इसी को कर रहे हैं यूज। मतलब इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है भाई को, बिल्कुल। तो आज ही हुआ है हमारे साथ, और वो भी ऐसी जगह जिसे आप मतलब कि जंगल, बिल्कुल। तो दोस्तों गाड़ी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, ये लग गया न्यू टायर। अभी आप देख सकते हैं ये है न्यू टायर, और पहली बार भाई ने स्टेपनी चेंज करी है भाई, मजा आ गया। अब नया टायर पड़ गया, अब तो शू शू चलेगी। तो दोस्तों अभी हो गई है नाइट और यहाँ पर सभी खा रहे हैं मैगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पर है मेरी मैगी। तो मैगी को फिनिश करके हम मिलते हैं आपको सीधे सुबह ही, और सुबह आपको एक्सप्लोर करवाते हैं ये चैनी कोठी गांव। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी चाय से, जो कि हमारे भाभी जी ने बनाई है। और फाइनली अभी आ गई है चैनी कोठी में धूप, और ये देखिए यहाँ पर है हमारा टेंट। रात को हम यहीं सोए थे, और वो जो आपको सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है चैनी कोठी। तो ये है चैनी विलेज, और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये है वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची हैंडमेड इमारत। और 1905 में यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ था, तो इसकी जो दो बिल्डिंग थी वो टूट गई थी, तो इसे दोबारा से बनवाया गया था, वरना ये और भी ऊंची होती। जैसे इस चैनी कोठी पे धूप की किरणें पड़ेंगी ना, ये और भी अच्छी लगेगी। तो अभी धूप को आने देते प्रॉपर तरीके से, तब तक हम अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चैनी कोठी गाँव की तरफ, और ये देखिए ये है पीछे का कुछ गांव का व्यू। और ये जो सामने आपको ये इमारत दिख रही है बड़ी सी ऊंची सी, तो यही है चैनी कोठी, और इसके साथ जो है ये भी। तो चलिए आपको अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं कैसी है चैनी कोठी ये। तो ये कुछ रास्ता है इस गांव में जाने के लिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा रास्ता है ये। और ये देखिए यहाँ से जो है वो ये गाँव स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम घर जो है वो लकड़ी के ही हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो आपको पता ही है बर्फ़ के लिए लकड़ी के घर जो वो अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह का गांव है, यहाँ पर नए घर भी बन रहे हैं कुछ, और एक रास्ता ये है गांव में आने के लिए। देखिए कुछ इस प्रकार का गांव है। ये है चैनी कोठी गांव, ये देखिए कितने प्यारे घर हैं यहाँ पर, कितने प्यार लग रहे हैं। और ये सामने वो स्ट्रक्चर चैनी कोठी, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर घर बने गए हैं, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही मस्त। ये देखिए और यहाँ इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी चलते हैं हम श्री कृष्णा मंदिर। तो ये है मंदिर, वो देखिए कितना बड़ा मंदिर है ये, और वो है वो कोठी चैनी कोठी। तो अभी आपको आगे से व्यू दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है ये, देखिए सारे घर लकड़ी के हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा गांव है ये, और कितना ही प्यारे यहाँ का व्यू है। तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर, धूप थोड़ी लेट आती है इसलिए हम भी लेट हो गए थोड़ा सा। तो ये देखिए ये है मंदिर, श्री कृष्णा मंदिर। तो ये देखिए कितना ऊंचा मंदिर है यार, कितना ऊँचा, ये 1 2 3 4 कम से कम इसमें 5 फ्लोर है, और यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखी हुई है। ये देखिए इस प्रकार से बनाई गई है, और ये देखिए लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है, और ये स्कूल है यहाँ का। देखिए कितना ही प्यारा है ये। नहीं ले जाते ना जैसे। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बेल्ट और चमड़े की चीज़ें और जूते वगैरह यहीं पे खोल के जाने पड़ेंगे। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए किस प्रकार से ये लकड़ी है पूरी, और ये देखिए कितना भारी पत्थर है ये, और लकड़ी के ऊपर रखा है। ओह माय गॉड यार, अंदर से स्ट्रक्चर इनसेन गाइस। तो अभी अंदर चल के दिखाएंगे आपको क्या व्यू है अंदर का, और मुझे तो मतलब अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी ऊंची बिल्डिंग देखिए, कितना ज़्यादा इस पर पत्थर का यूज़ हुआ है, और लकड़ी के सारे टिकी हुई है ये। ओह माय गॉड यार, ये देखिए ये भी ये पत्थर है, किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है पत्थर। चलिए
चलते हैं अंदर। चले अंजी खुला ही है। चले तो गाइस ये देखिए, ये है इसका एंट्रेंस। अंदर देखो लकड़ी है, ये पूरी लकड़ी। और ये देखिए लकड़ी के अंदर पत्थर। ओह माय गॉड यार, इनसेन गाइस। ओह माय गॉड, क्या है ये देखिए, कितना प्यारा व्यू है अंदर का। और डिजाइन तो मतलब कि इनसेन। तो ये मंदिर है, ये देखिए। दोस्तों ये है यहाँ का मेन मंदिर। और यहाँ की स्ट्रक्चर देखिए यार, क्या डिजाइन है, मतलब कि अल्टीमेट यार, बहुत ही प्यारा डिजाइन। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो ये है मंदिर देखिए। अभी तो सिर्फ श्री कृष्ण जी है। अभी तो श्री कृष्ण जी है। आप यहीं के? हम तो यहीं से। आपका नाम? मेरा नाम केशव। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अंकल जी बहुत ही प्यारे हैं और इन्होंने यहाँ का सारा ये इतिहास बताया। तो हजारों साल पुराना मंदिर है ये। तो यही है एक मंदिर के ऊपर में क्या है फिर इसके ऊपर में? इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर खाली। अच्छा, ऐसे घूमने के लिए? ऐसे घूमने के लिए। मतलब कि बहुत ही अपने आप में ये बहुत ही एक बड़ी कला है, जिसके मतलब कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये बिना पिल्लर के स्टैंड है अभी तक। और यहाँ से ये बाहर का व्यू देखिए यार, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है बाहर का। तो ये है चैनी कोठी, ये विलेज। यहाँ पे बर्फ किस महीने में पड़ेगी? 2 फुट की बर्फ। तो दिसंबर में पड़ जाएगी। जी जी, दिसंबर में यहाँ पे बर्फ भी पड़ेगी। तो बहुत ही प्यारा है यहाँ का स्ट्रक्चर, ये देखिए। ये मिट्टी और लकड़ी का ही है सारा। और ये आपका कक्ष होगा। तो अभी चलिए बाहर चलते हैं और भी आपको घुमाते हैं ये चैनी कोठी। ऊपर जा सकते हैं? अच्छा, मंदिर यहीं तक है, ऊपर नहीं जा सकते। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ तक आप घूम सकते हैं, इसके ऊपर फिर आप नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर सिंगर ऋषि जी आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाई गई है इनकी छत्र छाया। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का ये है व्यू और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। देखिए कितना प्यारा और कितना पुराना मंदिर है। ये लकड़ी और पत्थर का ही यूज़ हुआ है इसमें, और मिट्टी का। तो दोस्तों अभी हमने आपको ये वाला मंदिर तो घुमा दिया अंदर से भी। हेलो, तो ये देखिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ पे ये स्कूल है, तो स्कूल थोड़ी दूर है इसलिए यहाँ पर पढ़ने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर धूप आती नहीं है। तो ये देखिए, ये है चैनी कोठी। देखिए यार कितनी ऊंची मंजिल है ये, कितनी ऊंची इमारत है। और वो है मंदिर, तो उस मंदिर का इतिहास आपको बताते हैं थोड़ी देर में। ऊपर जाने के लिए बनाया इन लोगों ने ना, 2009 से ये व्यवस्था इन लोगों ने, यहाँ की जो कमेटी ने। तो बाहर के लोग, चाहे बाहर की बात नहीं, जो इसी गांव के लोग भी, तो सब एक धोती पहनते हैं। तो बाहर से लोग आएंगे तो धोती का। हाँ ये तो है। जैसे अगर आप आना चाहते हैं तो फिर धोती लेके आ सकते हैं। अंदर आना चाहते हैं तो फिर धोती लानी पड़ेगी, धोती के बिना नहीं जा सकते। ठीक। तो दोस्तों ये है चैनी कोठी की वो बिल्डिंग। देखिए यार कितनी ऊंची है ये, मेरे को टेढ़ा होना पड़ रहा है इसको पूरा दिखाने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही इनसेन चीज़ है जो कि आपको दिखाते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। ये देखिए, ये पेड़ की पौड़ियाँ, ये एक ही पूरी एक लकड़ी से बनाई गई हैं। और किस तरीके से बनाई गई हैं ये देखिए, क्या स्ट्रक्चर है यार, बिल्कुल डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि मतलब कि आज के टाइम में तो ये बहुत ही टफ है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और अगर आप इस चैनी कोठी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, कोठी के ऊपर जाना व चढ़ना सख्त मना है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, गिरने के जिम्मेवार खुद होंगे। तो गिरने के जिम्मेवार आपको पता ही है। ये देखिए कितनी ऊंची है पौड़ी है, अगर आप ऊपर से गिरते हैं तो नीचे भाई आप डैमेज तो होगा, और अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। तो अगर आप आना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आएं और धोती लेके आएं। सो गाइस ये है आगे मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा, कोठी चैनी। तो ये है चैनी कोठी और अंदर है मंदिर। तो वो है मंदिर, ये देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर है ये भी, और उसी प्रकार का स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। ये देखिए बहुत ही प्यारे यहाँ पर घर हैं, मंदिर है। तो मतलब कि बहुत ही मस्त यहाँ का व्यू
ये देखिए, ये है चैनी कोठी। ओ भाई, तो ऐसा बोला जाता है कि 1905 में यहाँ पे भूकंप आया था, तो इसकी जो दो बिल्डिंगें थी ऊपर की वो गिर गई थी, तो इसे दोबारा से बनाया गया। अगर वो नहीं गिरी होती तो भाई ये उससे भी ऊपर होती। और ये बेस्ट हिमालयन की सबसे ऊंची इमारत है जो कि हैंडमेड बनाई गई है। तो बहुत ही मस्त यहाँ पे व्यू और बहुत ही नेचुरल वाइब्स, गुड वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं। तो आप यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आना यार, ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है और आपको यहाँ पे घूमने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ये है मंदिर। और इस मंदिर में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अभी चढ़ना तो हम नहीं जा सकते अंदर। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जो श्रृंग ऋषि हैं उनको देवता निकलते हैं, तो ऐसा बोल रहे थे यहाँ के लोग कि देवता निकाले जाते हैं। तो उनका सामान जो भी वस्त्र होते हैं, सोना चांदी जो भी जेवरात हैं, तो वो इस मंदिर के अंदर रखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। तो बहुत ही प्यारा गांव है, ये देखिए बहुत ही प्यारा श्रृंगी कैफ़े चहनी। तो यहाँ पे आपको कैफ़े भी मिल जाएंगे आगे जाके, तो कैफ़े भी दिखाते हैं आपको। और बहुत ही प्यारा, हाँ जी हमारे घर हैं कांगड़ा में। हाँ जी, कब आए हम? कल आए थे, फिर नीचे टेंट लगाया था हमने। हाँ जी, तो इस मंदिर का इतिहास बता सकते हैं आप थोड़ा? किस मंदिर? इस मंदिर का, ये मंदिर है ना? हाँ कहिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा देवता का मंदिर है श्रृंग ऋषि जी का। अच्छा, तो बहुत ही प्यारा गांव है ये देखिए। हाँ जी, बहुत ही प्यारा है। मतलब ऐसी चीजें आज हिमाचल में देखना मतलब बहुत ही रेयर है। तो आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। ये देखिए, हाँ जी जी जी, तो आंटी बोल रहे हैं हम जंगल में रहने वाले हैं। तो आपको पता ही है, ये ऊपर देवदार का जंगल है पूरा। और ये देखिए यहाँ का कल्चर, ये यहाँ की ड्रेस है। ओ भाई, तो भाई इनकी एक स्माइल के लिए यार एक लाइक तो बनता है। आपकी उम्र क्या होगी आंटी जी? कितनी? ओ भाई, बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के। अरे नहीं नहीं, आप जियो हजारों साल। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही प्यारा गांव है यार। मन नहीं कर रहा है कि कैमरे को बंद भी करें हम। तो ये देखिए ऊपर के ऊपर ये सारा जंगल है। और यहाँ पे एक कैफ़े मिला है हमें, वो देखिए वो कैफ़े है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे घास इकट्ठा करके रख लिया गया है क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ने वाली है। तो बर्फ़ के टाइम ये जो हो भाई बावले नहीं, मेरा तो मन कर रहा है कि भाई यहाँ पे घर डालूं है ना भाई। देखो ये जो इसलिए रखा गया है क्योंकि जब बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ से इसे यूज़ कर लिया जाएगा, स्टोरेज है ये। तो बहुत ही प्यारा भी यार, बहुत ही प्यारा इनसेन गाइस, चिमनी लग रही है। तो यहाँ पर एक कैफ़े है, एक ही कैफ़े पूरे गाँव में? हाँ जी, अच्छा और भी हैं बट इस साइड में आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कैंपिंग करने के लिए जगह भी मिल जाएगी और अंकल करवाते हैं कैंप, भाई करवाते हैं। तो 500 रुपये पर पर्सन, और खाना उसमें आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का रूल, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं तो कैंप हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये है कैफ़े। तो अभी चलिए नीचे का व्यू दिखाते हैं आपको गाँव का। गाँव तो यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मतलब कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि भाई यहाँ से जाएं ना। तो अभी देखते हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि एक रात फिर से यहीं पे रुक जाते हैं। कैसे हो? फोटो लाओ गाने। हाँ जी, कैसे हो आप? क्या कैसे हो? मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हो? हाँ जी, ये ठीक। हाँ जी, हम ठीक है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने कैंप लगाया था और गांव हमने पूरा घुमा, आपको भी घुमाया। तो यार गांव के लोग, गांव की संस्कृति और गांव बिल्कुल मतलब अल्टीमेट इनसेन गाइस। यार अगर आप कहीं जाने के प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आना। ये है कोठी चैनी। तो जीवी से आपको यहाँ से के लिए रास्ता मिल जाएगा। श्रृंग ऋषि का मंदिर है वहाँ पे, नीचे बोर्ड लगा हुआ है, आपको बताया था मैंने। तो ये था गांव, बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ के लोगों से मिलना बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। और भाई आपको कैसा लगा ये गांव? बहुत बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
तो पूछने वाली बात है ही नहीं कि भाई कैसा लगा। सभी अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको सच्ची में बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। जितना हमने ट्रैवल किया ना उससे ज्यादा अच्छा लगा यार। लोग भी बहुत अच्छे। बिल्कुल लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अब बातें करना लोगों से आपको खुद पता लग जाएगा कितने ही अच्छे लोग हैं और कितने प्यारे लोग हैं। तो यहाँ पे आना तो एक बार जरूर बनता है। और ये है हमारे सीरीज का, कुल्लू मनाली सीरीज का लास्ट ब्लॉग। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और पीछे वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो यार जरूर देख लेना, आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। और ये वाला ब्लॉग तो यार मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत से कम नहीं है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। तो यहाँ पर भाभी जी कुछ बोलना चाहें? मैं कुछ मिनट बोलना चाहूँगी, बस अच्छा लगा आके। और क्या, बिल्कुल। और के साथ बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों हमें भी सब्सक्राइब कर दें जरूर, भाई को जरूर, भाई को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई की वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। तो यार भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में ही मिल जाएगा। और भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। भाई की इंस्टाग्राम पे डी के ठाकुर एंड रंजना ठाकुर। और मुझे भी कर लेना यार, अगर आपको किसी भी चीज़ इस कुल्लू मनाली सीरीज में अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमसे पूछने की जरूरत है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर बेफिक्र होकर मैसेज कर देना, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और ये था हमारा कुल्लू मनाली सीरीज का लास्ट ब्लॉग। तो हमें तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे कुल्लू मनाली सीरीज को मतलब कि एक्सप्लोर करके। तो ये गांव तो बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा, कोई लफ्ज ही नहीं है इसको एक्सप्लोर करके। गाड़ी यहाँ पे आना आप एक बार, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या है, मतलब जन्नत है ये एक। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक तय करें, बाय बाय।